हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी सरजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इस अपने वीडियो में आपको बात करूंगा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पैटर्न 2020 के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं एसएससी से रिलेटेड अपना कोई अदर वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहले मिल सके। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि एसएससी के एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम कैसे, एसएससी कितने मार्क्स का कंटेंट कराता है, कितना पेपर कराता है। तो इस तरीके से मैं आपको इस अपने वीडियो में पूरी तरीके से एसएससी सीजीएल के पैटर्न के बारे, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करूंगा। इसमें कितने क्वेश्चन के पेपर आते हैं, कितने मार्क्स कंटेंट करते हैं, फाइनल सेलेक्शन कैसे होता है, मेरिट कैसे बनती है। तो इस सारे जो है जितनी बातें हैं, एसएससी जो है क्या है, उसका प्रोसीजर कैसे वो सिलेक्शन कराती है, टोटल इस वीडियो में आपको जो है देखने को मिलेगा। आप इस मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए, अब मैं आपको जो है क्वेश्चन पेपर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, आप वीडियो में देख रहे होंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्ज़ाम पैटर्न 2020। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूँगा इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम पैटर्न, सीजीएल के एग्ज़ाम पैटर्न 2020 के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे सिलेक्शन कराता है एसएससी, सारा जो है आपको नॉलेज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आइए मैं बात करता हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, क्या स्कीम होता है एग्जामिनेशन का, वो देखिए। ये जो लिखा है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 4 tiers एज इंडिकेटेड बिलो, जैसा कि आपको नीचे दे रखा है, tier 1, tier 2, tier 3 and tier 4। टायर वन कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। सेकंड टायर में आपका वो भी कंप्यूटर बेस्ड है, उसमें जो है दो पेपर होता है, एक आपका मैथ होता है, एक आपका इंग्लिश होता है। फिर आपका जो है थर्ड पेपर जो है पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव होता है, इससे राइटिंग करें, एप्लीकेशन राइटिंग बोले, वो उसमें आपको जो है डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। टायर फोर में आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट, वेर एवर अप्लीकेबल, डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन, आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। तो यहाँ पे लिखा है वेर एवर अप्लीकेबल, जिसके लिए अप्लीकेबल है वही जो है स्किल टेस्ट के लिए सुपीरियर या सेलेक्ट किए जाते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 1 है, 9 द कमीशन रिजर्व द राइट टू मेक चेंजेस इन द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। फिर पॉइंट नंबर आपका 9″ पे है, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन टायर वन एंड टायर टू एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड एंड सच नॉर्मलाइज्ड स्कोर विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड विल बी यूज फॉर क्वालिफाइंग द कैंडिडेट टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन एंड टू बी डिटरमाइंड फाइनलिस्ट। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो आपको नॉर्मलाइज करके मार्क्स जो है दिया जाता है, उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका जो है एक फाइनल मेरिट बनती है। जितना आप, जैसा आपका मार्क्स रहेगा उस हिसाब से आपको एसएससी पोस्ट प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से एसएससी के कई स्टेप हैं, आप देखें स्टेप वन या टायर वन, टायर टू, टायर थ्री, टायर फोर। अब यहाँ पे मैं डिटेल में बात करूँगा टायर वन में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के कंटेंट करते हैं, टायर टू में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना मार्क्स कंटेंट करते हैं, तो सारा मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। नीचे आप देख रहे होंगे स्किल ऑफ टायर वन एंड टायर टू एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्कीम ऑफ टायर वन एंड टायर टू एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे टायर वन के लिए आपका सब्जेक्ट जो है डिसाइड किया गया है, ए पॉइंट ए पे रखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 और ये मैक्सिमम मार्क्स कंटेन करता है 50 मार्क्स का। कहने का मतलब 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डबल मार्क्स रखता है, तो 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स रखेगा। बी में रखा है जनरल अवेयरनेस, वो भी 25-50 मार्क्स कंटेन करता है। क्वान्टिटी एप्टीट्यूड 25-50 मार्क्स कंटेन करता है। इंग्लिश कंप्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स कंटेन करता है। टोटल टाइम अलॉटेड 60 मिनट। जी हाँ दोस्तों, आपको इस 100 क्वेश्चन को, ये 25 × 100 आप देख रहे होंगे नीचे, यहाँ से ये 25 × 100 क्वेश्चन जो दे रखा है, ये आपका 200 मार्क्स कंटेन करता है और ये आपको केवल 60 मिनट टाइम अलॉटेड है। तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन
करने होंगे या 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होंगे। और रही बात पीएच और वीएच के लिए, आपको 80 मार्क्स देता है जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप होते हैं, विजुअली हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए 80 मार्क्स प्रोवाइड करता है और उनके लिए एक प्रेफरेंसर भी रखता है एग्ज़ाम में। जो वीएच होते हैं उनके लिए एक अदर से एग्ज़ाम हेल्प के लिए कोई प्रेफरेंसर जा सकता है, कोई अदर कैंडिडेट जा सकता है, जो फॉर्म अप्लीकेबल फॉर्म भरते वक्त वो अपना जिसको प्रेफरेंस किया होगा वो उसके साथ जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठ सकता है और एग्ज़ाम दे सकता है। दोस्तों आप टायर वन के बात को समझ गए होंगे। आपको इसमें जो है 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स कंटेन करते हैं, 60 नंबर आपको दिया जाता है। सभी पार्ट को मैं दिखा दिया हूँ, 25 25 25 25, तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आपको सारे पार्ट को जो है दिखाया हूँ और किससे कितना मार्क्स आता है। यहाँ से दोस्तों आपको इसमें से कम 80 नंबर के क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो 80 अगर डबल करें तो ये हो जाएगा 8 × 16, कहने का मतलब 160। जी हाँ दोस्तों, आपको कम से कम 160 मार्क्स लाने होंगे तभी आप मेरिट में बने रहेंगे। जनरल कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं, अगर OBC से करते हैं तो आप 70 कर दीजिए, 70 × 140, कहने का मतलब आपको 75 करना होगा, कम से कम आप 150 के नियर अबाउट है। अगर आप इतना रहते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन तभी होगा, नहीं तो अदरवाइज आप जो है एग्जाम वाले टायर वन से ही बाहर हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चन में 75-70 प्लस एवं जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तभी आप जो है SSC के एग्ज़ाम टायर वन को क्वालिफाई कर पाएंगे। टायर टू में देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, उस चीज़ को हम बात करते हैं। यहाँ पे टायर टू देख सकते हैं, आपका जो लिखा है टायर यहाँ पे टू दे रखा है। तो टायर टू में पेपर वन होता है जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है, एबिलिटी होता है। तो कहने का मतलब यहाँ से 100 नंबर का क्वेश्चन 200 मार्क्स कंटेन करता है, 120 मिनट्स यहाँ पे आपको फॉर ईच पेपर, यहाँ फॉर ईच का मतलब ये दूसरा पेपर भी कराता है। तो इस पे आपका 200 नंबर का इंग्लिश होता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। जो SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं उनका टायर वन एंड टायर टू, ये जो दोनों टायर हैं प्लस टायर थ्री, टायर थ्री में इनका जो है डिस्क्रिप्टिव मोड होता है, पेन एंड पेपर मोड होता है। ये जो पेपर थर्ड दे रखा है स्टैटिक्स, ये ग्रेजुएशन में जिसका जो स्टैटिक्स होता है उसको एक अलग से पेपर देता है, उसकी एक अलग SSC जो है इसका उसके लिए एक अलग से पोस्ट प्रेफरेंस है। जो ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स ले रखा है उसी को एग्ज़ाम देना होगा, उसके लिए एक अलग से पोस्ट SSC में कंडक्टेड है। पेपर यहाँ पे फोर आप देख रहे होंगे, जनरल स्टडी जिसमें लिखा है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये जो कॉमर्स लिए रहते हैं उनके लिए होता है, जो ग्रेजुएशन कॉमर्स करते हैं वो इस पेपर में बैठ सकते हैं और इस पेपर में अपने को अच्छा स्कोर करके। अलग से अकाउंटेंसी का पोस्ट होता है, उसमें SSC आपको जो है प्रेफरेंस देती है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे ये देखना है कि CGL वाले बच्चे केवल पेपर यहाँ से वन पेपर मैथ का पेपर सेलेक्ट करेंगे और इंग्लिश का। तो इस तरीके से मैथ में 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको 200 नंबर कंटेन करने होंगे, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आएंगे पर क्वेश्चन पर नंबर, कहने का मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर कंटेन करेगा। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, तो ये CGL का हो गया। फिर आपको जो टायर थर्ड होगा उसमें पेन और पेपर मोड पे होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग एप्लीकेशन और अदर कुछ चीज़ें होंगी जो आपको उसमें लिख के जो है बताना होगा। तो फाइनल मेरिट आपकी इन तीनों एग्ज़ाम के बाद टायर वन प्लस टायर टू प्लस टायर थ्री। तो इस तरीके से SSC वालों के लिए बस इतना ही देखना है। लेकिन जो स्टैटिक्स टायर फोर वो देंगे, स्टैटिक्स जो इसका ग्रेजुएशन में उनके लिए अलग से एग्ज़ाम कराती है, टायर फोर जो कॉमर्स लिए हैं उनके लिए अलग से एग्ज़ाम कराती है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों पेपर देने के बाद आपको फिर से टायर थर्ड वाला जो है आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड पेपर मोड का जो है एग्ज़ाम देना होगा, डिस्क्रिप्टिव जिसमें लिखना होगा, तब जाके आपका ये बंदों का सिलेक्शन होगा SSC में। तो दोस्तों आप जैसा कि इसमें पूरा डिटेल में देख पा रहे हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हुई, मैं इसमें आपको टोटल SSC से रिलेटेड क्या बातें थी उस सबको बताया। यहाँ अगर मैं बात करूँ CHSL की, तो CHSL का भी पैटर्न सेम है। CHSL का पैटर्न ये टायर वन में पूछता है, टायर वन में आपसे यही चारों जो है पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, इतने ही मार्क्स कंटेन करते हैं, टाइम इतना ही अलॉटेड है। उसके बाद आपको यहाँ से टायर टू के लिए सीधे सीधे पेपर एंड
पेपर मोड में होता है, जिसमें कहें तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, ऐसे राइटिंग, और आपको जो है एप्लीकेशन लिखने को होता है। तो वहाँ से ये ही दो पेपर में आपका जो है SSC, CSSL और स्टेनो और ग्रेड CD इस तरीके से जो है उसमें सिलेक्शन कराती है। स्टेनो में क्या है, टाइपिंग टेस्ट देता है। यहाँ पे जैसा कि आपको लिखा था, आप यहाँ पे देख रहे हैं पेपर 4 के लिए कहा था, ये पेपर जो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया है, टोटल जो इकोनॉमिक्स से जो, या कहें कि जो कॉमर्स से बंजे किए हैं उनके लिए टेस्ट करवाती है, स्किल टेस्ट। फिर यहाँ पे ऐसा समझिए कि मैं CSSL की बात कर रहा हूँ, आपको टायर 1 देना है और इस टायर 2 के एग्ज़ाम को यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव, जो ये तीसरा पेपर यहाँ दूसरे में इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद इसकी आपकी फाइनल मेरिट बनती है, ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, ये आपका CSSL और CSSL के लिए एप्लीकेबल है। स्टेनो में आपको बस यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव करने के बाद आपको स्किल टेस्ट देना होता है, कहने का मतलब कंप्यूटर पर देंगे स्टेनो टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टाइपिंग देंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। सी और डी ग्रेड के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें भी आपको जो है टाइपिंग कराता है, SSC टाइपिंग उस पर कंप्यूटर पर कराता है, और स्टेनो में आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग कराता है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग में आपको अगर क्वालिफाई रहेंगे उस हिसाब से मेरिट बनाएगी, फिर आपका सिलेक्शन करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए SSC के मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।